Class 8th students, good morning all of you. Today we will start the lesson in history. That lesson name is How, Where and Where. Kaise, Kab, Kahan. Actually, in this chapter, we will read about the periodization of our history, Indian history, as well as why dates are important in history. That we will read in this chapter. So first we will see how important are dates. Students, you see that in history, everything what we read, it depends on the dates. Dates are the important in history, like which king became the ruler of particular kingdom, how many battles he fought, with whom he fought, that their dates and all, we come to know about the dates. मतलब ये सारी जानकारी, एक राजा कब राजा बनता है, उसकी किस कौन सी बटल उसने कब लड़ाई लड़ी, कब किस राज्य को जीता, ये सब इंफॉर्मेशन अपन को कहाँ से मिलती है? We get from the dates of the history. तो हिस्ट्री जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एक्चुअली हिस्ट्री मतलब ये डेट्स के बारे में तो पीपल दे से दैट हिस्ट्री इज ए बोरिंग सब्जेक्ट बिकॉज इट इज ऑल ऑफ मेमोराइजिंग द डेट्स एंड ऑल. ये खाली डेट्स के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए हिस्ट्री जो है वो कई लोग ये बोलते हैं कि ये जो इट इज बोरिंग सब्जेक्ट. बट स्टूडेंट्स यू सी दैट डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. यू सी द एग्जाम्पल दैट I find history boring, that I told you. History is certainly about changes occur over time. ये जो changes होते हैं time time पर, उनके बारे में अपन को कौन बताता है? History बताती है. Okay? So dates are very important. We come to know about when dates are there. जब dates वहाँ पे हैं तो अपन ये पता लगा लेते हैं कि इस डेट से पहले हमारी जीवन शैली कैसी थी और इस डेट के बाद में हमारी जीवन शैली कैसी थी. तो एक तरह से पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दीज थ्री थिंग्स आर डिपेंडिंग ऑन दिस व्हाट यू कॉल डेट्स ओनली. तो प्रेजेंट जो है वो हमारा पास्ट पर निर्भर करता है, फ्यूचर जो है वो भी हमारा जो आज प्रेजेंट है वो उसके लिए पास्ट बन जाएगा, तो उस पर निर्भर करता है. ओके, सो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी सी द थिंग दैट दिस व्हाई द क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस आर देयर. लिविंग इन ए वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस. जनरली क्या होता है कि जो हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग जिसको अपन बोलते हैं, उसको देखकर हमारे दिमाग में कोई भी हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं आता है. जनरली वी थिंक दैट इट इज हैपन्स, ये होता आया है और ये होता है, ऐसे ही होता होगा, लाइक दैट वी थिंक. ओके, तो इसके तीन एग्जाम्पल दिए हैं दैट वी शुड हैव द हिस्टोरिकल क्वेश्चन दैट वी शुड हैव. फॉर एग्जाम्पल वेन यू, अब जैसे आप किसी को, वेन यू सी एनी वन टू सिप ए कप ऑफ टी, यू मस्ट नो दैट वेन टी स्टार्टेड. ऐसे ही वेन यू ट्रेवल बाई ट्रेन, देन यू सी इन योर माइंड क्वेश्चन मस्ट कम दैट बिफोर द रेलवे स्टार्टेड हाउ पीपल यूज टू ट्रेवल, मोर रेलवे कब शुरू हुई. ये ऐसे हिस्टोरिकल क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए. ओके, नाउ वेन यू रीड द न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग, देर इज ए हिस्टोरिकल क्वेश्चन इन योर माइंड शुड बी देयर, दैट ये न्यूज पेपर जब तक प्रिंट होना शुरू नहीं हुए थे उससे पहले और लोग जो है वो कैसे जानकारी लेते थे खबरों की. और सेकेंड थिंग, वेन डिड न्यूज पेपर स्टार्टेड, न्यूज़पेपर कब शुरू हुआ. ये ऐसे जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन हैं वो हमारे दिमाग में आने चाहिए.
तो इनका जो आंसर जो देते हैं कि कब ये शुरू हुए, तो इनकी कोई डेफिनेट डेट नहीं होती है। ओके, इट इज इट टेक्स आई मीन अप्रोक्सीमेटली टाइम एंड डेट। ओके, बट वी कैन से दैट ईयर्स इज द व्हाट यू कॉल इम्पोर्टेंट इन दिस एंड दिस थिंग देयर मीन्स एग्जैक्ट टाइम वी कैन नॉट से एंड वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट टाइम। अब फॉर एग्जाम्पल दिस सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर्स अस टू बैक टू द नोशन ऑफ टाइम, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रेसाइज बाय द डेट। जो पर्टिकुलर जो व्हाट यू कॉल ईयर और ए मंथ वी कैन से, बट वी कैन नॉट से एग्जैक्ट डेट। जैसे अपन चाय का एग्जाम्पल लेते हैं, वेन इंडियन पीपल स्टार्टेड टू ड्रिंक द टी, फॉर दिस वी डू नॉट हैव द फिक्स्ड डेट, वी डू नॉट हैव द फिक्स्ड मंथ। ओके, इट अप्रोक्सीमेट टाइम वी टेक दैट फ्रॉम दिस ईयर्स दिस मे बी स्टार्टेड और ऑल लाइक दैट ओनली। हम जो है व्हाट यू देयर कैन बी नो वन डेवलप ए टेस्ट ऑफ योर टाइम, देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस सच एज सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स द सिंगल डेट व्हेन द ब्रिटिश स्टार्टेड रूल इन इंडिया। इसकी कोई सिंगल डेट अपन नहीं दे सकते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में जो है वो कब अपना साम्राज्य शुरू किया था। ऐसे ही अपन ये नहीं दे सकते हैं करेक्ट डेट कि जो लोगों के दिमाग में नेशन की भावना थी और एक फ्री इंडिया की जो भावना थी, इसके ऊपर फ्रीडम पाने के लिए जो मूवमेंट शुरू किया था, मूवमेंट जो चलाया गया था, व्हेन इट वाज स्टार्टेड, इनकी कोई क्लियर डेट नहीं होती है। तो हियर अप टू आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अप टू हियर वंस अगेन आई विल रिपीट कि पहले तो अपन ये देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर डेट्स क्यों होती थी। किसी राजा के बारे में जानकारी जुटाने के लिए हमारे को डेट्स की ज़रूरत होती थी। इसी तरीके से हमारे दिमाग में कुछ हिस्टोरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी डेट जो है वो क्वेश्चंस से हमारे दिमाग में आते हैं, तो अपन को ये पता चलता है कि हर चीज़ की कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती थी, कब वो स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। ओके, ये दो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट इज दैट व्हाई देन वी कंटिन्यू, अगर ये अपन को पता नहीं चल पाता है कि कौन सी चीज कब और कैसे शुरू हुई, तो अपन फिर डेट्स के साथ में क्यों जुड़े। व्हाई डेट्स वी नीड द डेट्स, जब अपन को ये बता नहीं सकती है कोई चीज कि आजादी का जो मूवमेंट था हमारे देश में वो कब शुरू हुआ, तो इसके लिए ये बताओ कि डेट्स की फिर हिस्ट्री में जरूरत क्या है अगर अपन को पता नहीं है तो। लेकिन इट इज नीडेड स्टूडेंट, दिस एसोसिएट हैज रीजन, इसका एक कारण है क्यों हमें डेट्स की आवश्यकता पड़ती है। देर वॉज ए टाइम वेन वॉज द हिस्ट्री वॉज फुल ऑफ बटल एंड बिग इवेंट्स, एक समय ऐसा था जो इतिहास जो है वो खाली बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बारे में बताता था, बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में बताता था, तो ये कब घटित हुई उसकी जो डेट ये जो बताता था, और वो इम्पोर्टेंट भी थी, उनके बारे में डेट जानना बहुत इम्पोर्टेंट भी होता था, तो इसलिए जो है वो जैसे किस राजा ने मतलब कब राजगद्दी संभाली, कब उसकी शादी हुई, कब उसके उत्तराधिकारी हुए, कौन सी बैटल उसने लड़ी, ये सब जानकारी अपन कहाँ से लेते हैं, ये सब जानकारी अपन इससे लेते हैं, किससे, दिस व्हाट यू कॉल हिस्ट्री से, इसमें अपन को डेट्स मिलती हैं। ओके, तो ये डेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, वी शुड नॉट फॉरगेट इट, बट नाउ डेज ये डेट्स जो है वो कोई मायना इतना नहीं रखती हैं जितना पहले, जैसे मैंने बताया राजाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए अपन को डेट्स की जरूरत थी, लेकिन अब इसकी कम आवश्यकता है। कारण कि पहले जो इतिहास था वो एक लिमिटेड था, इट वॉज लिमिटेड। ओके, एंड लिमिटेड इन द सेंस कि ये खाली राजाओं के बारे में और लोगों के रहन सहन के बारे में बताता था, लेकिन आज का जो इतिहास है वो अलग है। टूडेज हिस्ट्री इज डिफरेंट, हाउ इट इज डिफरेंट, बिकॉज टूडेज हिस्ट्री टेल अस अबाउट द मीन्स न्यू थिंग्स लाइक
लोगों ने अपनी जीवन पाली का मीन्स वेन दे स्टार्टेड देयर लिवलीहुड हाउ दे स्टार्टेड इट टेड इट दे लुक नाउ पीपल एंड देयर लिवलीहुड कैसे उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए साधन जुटाना शुरू किया व्हाट दे प्रोड्यूस वो क्या उन्होंने प्रोड्यूस किया क्या उन्होंने अपना मतलब क्या खाते थे और अब क्या खाते हैं ये सब चीज़ें भी जो है वो हिस्ट्री के अंदर आती हैं आजकल तो हिस्ट्री इज मोर आई मीन व्हाट यू कॉल इम्पोर्टेंट टू सी दिस इसलिए हिस्ट्री के अंदर जो है वो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डेट्स होना जरूरी होती है ओके तो कोई भी चीज़ ले लो पहले राजाओं वगैरह की लेते थे तो उसमें डेट्स की जरूरत होती थी अब अपन और टॉपिक जोड़ दिए हिस्ट्री के अंदर तो उसके अंदर भी अपन को ईयर और मंथ और वाट एवर भी से उसकी जरूरत पड़ती है ओके वी कैन नॉट क्लियरली अपन ये नहीं कह सकते कि इसमें अपन हमारे को डेट्स की जरूरत ना पड़ती हो अब अपन ये देखेंगे कि कौन सी डेट्स हैं जिनकी अपन को जरूरत है और जो इंपॉर्टेंट है दैट वी विल सी स्टूडेंट्स दैट द डेट्स वी सिलेक्ट डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन जो डेट्स अपन लेते हैं जिनको अपन ये बताते हैं कि ये डेट इंपॉर्टेंट है ये ईयर इंपॉर्टेंट है तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट नहीं बनती हैं उनको इंपॉर्टेंट बनाना हमारा काम है हमारा काम इसलिए है कि हम ये बताते हैं कि ये पर्टिकुलर इवेंट जो है वो पॉपुलर है और ये पर्टिकुलर इवेंट जो पॉपुलर है ये किस साल में और किस डेट को शुरू हुआ और ये स्टार्ट हुआ तो ये जो डेट है वो इम्पोर्टेंट किसने बनाई उस इवेंट ने और उस इवेंट को इम्पोर्टेंट किसने बनाया अपन लोगों ने तो अपन लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी डेट जो है वो इम्पोर्टेंट डेट्स मानी जानी चाहिए ओके जैसे दे बिकम विटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इम्पोर्टेंट एज इम्पोर्टेंट हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा इवेंट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट जो इवेंट होता है वो अपन को डेट फिक्स करते हैं अपन तो इसका मतलब कौन है द डेट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट देयर ओन वो अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं वी मेक देम द इम्पोर्टेंट नाउ कंसिडर एन एग्जाम्पल दिया आपकी बुक में That is in the stories written by the British historians in India, the rule of each Governor General, like first Governor General Warren Hastings up to the last Viceroy Lord Mountbatten, in separate chapter we read about the deeds of the others. इनके बारे में अपन अलग अलग पढ़ते हैं तो इनका जो इतिहास है उसकी डेट्स भी इम्पोर्टेंट होती हैं ये कौन बनाता है अपन बनाते हैं कि कौन सा जो वाइस रॉय है या गवर्नर जनरल है उसने अपने पीरियड में कौन सा काम किया जो इम्पोर्टेंट है और वो इम्पोर्टेंट काम है तो वो कौन सी डेट में किया तो वो डेट जो अपन बनाते पता लगाते हैं वो डेट जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाती है इसलिए डेट्स कौन सी इम्पोर्टेंट है दैट वी हैव टू डिसाइड Now you see that all the dates in these history books were linked to these personalities. अब इतिहास के अंदर अगर अपन देखें तो ये जो जितने भी वॉइसरॉय और जो गवर्नर जनरल हुए इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बिकॉज ऑफ द इवेंट्स एंड ऑल इनके द्वारा किए गए कार्य के कारण ये इम्पोर्टेंट माने जाते हैं नाउ यू सी दैट इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो तो ये हमारे को जानना इनकी जो लाइफ होती है उसके बारे में जानना हमें जरूरी होता है कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे अब ये जो पीरियड है इसका इतिहास अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं ओके नाउ दिस हाउ डू वी फोकस ऑन एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मूल इसके लिए हम ये देखेंगे कि वेन वी राइट हिस्ट्री और ए स्टोरी वी डिवाइड इट इन टू द चैप्टर्स अपन इसको चैप्टर्स में बांट देते हैं हिस्ट्री को समझने के लिए
और इसके बारे में सही तरीके से जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि इसको चैप्टर अलग अलग पार्ट के अंदर इसको बांट देना चाहिए, ताकि अपन ये पढ़ लेते हैं कि कौन सा पार्ट या कौन सा चैप्टर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसकी डेट अपन उसके अनुसार तय कर लेते हैं। ओके, तो नाउ क्वेश्चन इज, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डेट्स आर इम्पोर्टेंट, मतलब ये अपन ये पता लगाएंगे कि ये जो व्हाट यू कॉल डेट्स जो चैप्टर में अपन बांटते हैं, तो ये चैप्टर से अपन को ये पता चलता है जैसे कौन सा इवेंट जो है और कौन सी डेट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका एक पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। हमारे देश के राजाओं के समय जो एक्टिविटीज उनके द्वारा की जाती थी, उनकी स्टडी, और जो गवर्नर्स जनरल थे और जो वाइस रॉय थे ब्रिटिश रूल के टाइम पर, उनकी स्टडी, दोनों की अगर अपन साथ साथ स्टडी करते हैं तो उनका मैच नहीं हो पाता है। ओके, कि कौन सी डेट और कौन सा ईयर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैच नहीं होगा। ओके, बिकॉज समटाइम व्हाट हैपेंस, बोथ दोनों का जो इम्पोर्टेंस है वो एक साथ भी हो जाता है, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों की स्टडी अपन साथ साथ कर सकते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए अपन ने क्या किया कि इसको दो भागों में बांट दिया। जो ब्रिटिश रूल की जो इवेंट्स हैं, ब्रिटिश रूल के जो घटना घटित हुई है उनके राज में, उनकी जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसको अपन न्यू डेट्स कहते हैं, और जो अपने राजाओं के बारे में और राजाओं की जो इतिहास पढ़ते हैं उसको अपन ओल्ड डेट्स कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हिस्ट्री के अंदर विच डेट्स आर इम्पोर्टेंट, ओल्ड डेट्स आर इम्पोर्टेंट और द न्यू इम्पोर्टेंट, दैट इज द क्वेश्चन। सो वी कैन से दैट न्यू डेट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन ओल्ड डेट्स, इसलिए अपन न्यू डेट्स को अपनाते हैं, ओल्ड डेट को नहीं अपनाते हैं। तो यहाँ तक आपने मैंने बताया कि डेट्स जो है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, उनको हम इम्पोर्टेंट अपन बनाते हैं, पर्टिकुलर इवेंट के जरिए बनाते हैं, और फिर अपन को एग्जाम्पल के हिसाब से अपन ये भी देखते हैं कि कौन सी डेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपन ये देखते हैं कि ये जो डेट होती है, जो न्यू डेट्स है, दीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन द ओल्ड डेट्स। ओके, नाउ वी सी हाउ डू वी प्रियोराइज। अब अपन ये देखते हैं कि इतिहास को अपन चैप्टर में बांट कर पढ़ तो लिया, लेकिन टोटल जो इतिहास है इसको अपन कितने भागों में और कैसे बांटते हैं। सो देर वॉज ए इन 1817 जेम्स मिल, ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पोलिटिकल फिलोसोफर था, पब्लिश्ड ए मासिव 3-volume वर्क हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, मतलब भारत का जो इतिहास है वो अंग्रेजों के जमाने में क्या था उसके बारे में इसने ये लिखी थी बुक। इन दिस बुक जेम्स मिल ने जो है वो इंडिया की हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा, वन इज हिंदू, सेकंड इज मुस्लिम, देन द ब्रिटिश। ओके, 3 भागों में उसने ये जो है वो डिवाइड किया गया था। तो ये जो पीरियडाइजेशन, मतलब हिंदू का पीरियड, मुस्लिम्स का पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड, इनको बांटा गया था 3 भागों में। ओके, जो इंडिया का इतिहास है उसको 3 भागों में बांट दिया गया था। बट मोस्ट ऑफ द पीपल और द मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। ओके, दीज आर द पीरियडाइजेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, दे एक्सेप्टेड इट, बट देर सम लूप होल्स इन दिस, इसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं। व्हाट वी डू सो द एंट्री कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम इन सेंट्रल पिक्चर एज दे अपीयर टू अस, सो टर्म्स थ्रू विच द पीरियडाइजेशन दैट डेमोक्रेटिक डिफरेंस बिटवीन द पीरियड्स बिकम इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन यू, एक्चुअली क्या होता है, जो पीरियडाइजेशन किया गया है हिंदूज, मुस्लिम्स और ब्रिटिश का, ये सही नहीं है। बिकॉज वेन द हिंदू रूलर्स वर देर, जिसको अपन हिंदू पीरियडाइजेशन कहते हैं हिस्ट्री का, दैट टाइम
मुस्लिम्स एंड अदर रूलर्स वर ऑल्सो देयर, दूसरे जो रिलीजन है लाइक मुस्लिम्स और दूसरे और कोई रिलीजन है वो भी रूल करते थे. सो हाउ वी कैन से दैट इट वॉज द हिंदूइज्म ओनली. ऐसे ही सेम वेन मुस्लिम पीरियड भी कंसिडर करते हैं तो दैट ऑल्सो वी कैन नॉट डू, बिकॉज हाउ वी कैन से ओनली मुस्लिम्स वर द रूलर एट दैट टाइम. और ब्रिटिश का भी ऐसा ही है. तो इसलिए अपन इस जो पीरियडाइजेशन है इसका जेम्स मिल का, ये इट इज नो डाउट एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस, बट इट इज नॉट द करेक्ट पीरियडाइजेशन. ओके, एंड अदर पीरियडाइजेशन वी विल सी लेटर ऑन. सो आई होप अप टू हियर यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू, हैव नाइस डे.